हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। द सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर विच सेटिस्फाइड अवर बेसिक नीड्स आर यू एंड आर यूज बाय अस इन वेरियस फॉर्म आर नोन एज रिसोर्सेज। नेचर द्वारा प्राप्त ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती है, को सेटिस्फाइड करती है, वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज। द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, इट इज़ आर इन इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज जो है, एयर, वाटर, मिनरल और सॉइल, ये जो है ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड दे हैव यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और वे जो इसे हैं, और हमें जो है इन चीज़ों को जो है अच्छे से उपयोग करना चाहिए और उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू, बट विद द टाइम के अनुसार, टाइम बीतता गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड आर बीइंग डेवलप्ड। साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ और उसके अलावा मॉडर्न और इनोवेटिव तरीकों में भी जो है डेवलपमेंट हुआ। एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज, और वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज, कम होता गया। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व, बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड देयर नीड एंड मेक देयर लाइफ कम्फर्टेबल। अर्ली ह्यूमन जो है, उन्होंने अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ क्या करना शुरू किया और अपनी लाइफ को जो है कम्फर्टेबल बनाना शुरू किया। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्री फॉर वुड, उन्होंने ट्री जो है वो लकड़ी के लिए यूज़ करना शुरू किया। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप फॉर फूड, मिट्टी पे उन्होंने जो है फसल उगाना शुरू किया अपने भोजन की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए। एंड दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, और उन्होंने मिनरल्स निकालना भी शुरू किया। दे स्टार्टिंग क्रिएटिंग वेल्थ फॉर नेचर, उन्होंने जो है नेचर से वेल्थ जो है वो भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाइड नीड, ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्सेज। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिससे कि ह्यूमन नीड सेटिस्फाइड होती है वो रिसोर्सेज कहलाती है। लेट अस लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सच एज वाटर विच नॉट ओनली सेटिस्फाइड अवर बेसिक नीड बट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि पानी, वो हमारी केवल बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर रहा, उसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के काम में भी, उसको जो जनरेट करने के काम में भी काम में आता है। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, जो बहते हुए पानी की जो से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल, विंड यानी हवा भी जो है विंड मिल के माध्यम से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आती है। द नीड्स एंड ग्रीड्स ऑफ ह्यूमन बीन इन इंक्रीजिंग डे बाई डे, लोगों की जो आवश्यकताएं और लालच जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सो इन इज नेचर बीन एक्सप्लॉयटेड इन अ लार्ज एक्सटेंट, और इससे जो नेचर का जो शोषण है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज बाउंडलेस, जो ह्यूमंस की, इंसानों की नॉलेज और क्रिएटिविटी है वो अनंत है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड
इज़ डैमेजिंग एनवायरनमेंट, और पर उनके जो लालच का से जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड, जो हमारा जो नेचर का जो बैलेंस है वो भी दिन पे दिन डिस्टर्ब होता जा रहा है। हैंस सर्टेन अल्टरनेटिव वे एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। इसके लिए हमें क्या आवश्यकता है कि जो हमारी जो इसका कोई अल्टरनेटिव वे निकालना चाहिए जिससे कि हमारे इसका जो बैलेंस जो है नेचर का जो बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर सकें। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ और अ रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्थ है ना, वो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स की जो वर्थ है वो क्या कहलाएगी, उसकी वैल्यू कहलाएगी। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो समय समय पर और जो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। द काइंड ऑफ वैल्यू मे डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर, और जो ये जो वैल्यू है, वैल्यू का जो नेचर है वो भी अलग अलग रिसोर्सेज पे जो है, एक रिसोर्स से जो दूसरे रिसोर्स पे जो है चेंज होती रहती है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, किसी रिसोर्स की जो है इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, वेयर एज द अदर है वन हैव द एस्थेटिक और नेचुरल। और किसी की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और किसी की हो सकती है नेचुरल वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर फॉर इज हैज एन एस्थेटिक वैल्यू, बट वेन इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रिक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि वाटरफॉल है उसकी जो है नेचुरल वैल्यू, पर जब उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में किया जाता है तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। वेयर आर देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यू विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो है जिनकी की टाइम टू टाइम जो है इकोनॉमिक वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। द टू मेन फैक्टर दैट कैन चेंज इनटू सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जो दो रिसोर्सेज का जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदलने के लिए जो दो मेन फैक्टर्स है वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स, दोनों ही किससे रिलेटेड है, नीड्स से ऑफ द पीपल, लोगों की नीड्स से रिलेटेड है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, देयर आइडियाज नॉलेज डिस्कवरी इन्वेंशन लीड्स टू द सर्टेन मोर रिसोर्सेज। उनकी जो नॉलेज है, इंसान की ह्यूमंस की नॉलेज है, डिस्कवरी है, या उनके जो इन्वेंशन अलग अलग तरह की खोज वगैरह है, उससे जो रिसोर्सेज जो और नए नए रिसोर्सेज बनने की बनते हैं। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी ऑफ और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर, जबकि पुराने समय में एक इन्वेंशन एक डिस्कवरी जो होती थी वो जो है वो मोर क्रिएशंस होती थी। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस, जैसे कि आग की जो खोज हुई थी वो किसके लिए, कुकिंग प्रैक्टिस यानी खाना बनाने के लिए हुई थी। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, और व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था उससे क्या हुआ था, आज का जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे रेल ट्रक बस जो पहिए वाले हैं उन सबका उसके उससे डेवलपमेंट हुआ, उनके व्हील के डेवलपमेंट से जो है इन सबको जो ट्रांसपोर्ट का साधनों का डेवलपमेंट हुआ। ही इज़ द मोस्ट हैंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आर द ह्यूमन बीइंग हु हैव आइडियाज नॉलेज एंड स्किल, ऐसे कि स्किल विच हैज़ लेड टू वेरियस डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। जो सबसे बेस्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो ह्यूमन बींग के लिए है वो क्या है, उनका आइडिया नॉलेज स्किल, जिससे कि वो वेरियस डिस्कवरीज जो विभिन्न प्रकार की डिस्कवरीज और इन्वेंशन कर सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज तीन प्रकार के होते हैं. देर आर थ्री टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. थैंक यू.